हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आ गया आपका भाई एक और अनदर वीडियो के साथ में, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको। कि वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। हमें बहुत जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जैसे थंबनेल वगैरह बनाना हो या फिर हमें कोई पोस्टर बनाना हो, अलग अलग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे हम किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके अपने अकॉर्डिंग कोई और बैकग्राउंड लगाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपके पास में फ़ोटोशॉप नहीं है तो उसको देख के YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वहाँ से देख के डाउनलोड कर लीजिए। अगर है तो सबसे पहले स्टार्ट करें कि हम फ़ोटोशॉप को ऑन करने के बाद में दोस्तों वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। हमने कर लिया है, किसके बाद हम ओके कर देंगे दोस्तों। जैसे बहुत खूबसूरत फ़ोटो है उसका हम बैकग्राउंड वैसे हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो लग रही है ऑलरेडी, लेकिन क्या करें आप लोगों को सिखाना है तो मुझे इसका बलिदान देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पे बहुत सारे टूल्स है, मतलब जैसे आपको दिख रहा है तो हमें मतलब किसी भी टूल को लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे नीचे आ जाइए, आपको दिख रहा होगा इरेजर टूल है दोस्तों। इसके अंदर में तीन ऑप्शन है, हम धीरे धीरे करके सबको चेक कर लेते सकते हैं। सबसे नीचे वाले को हम चेक करते हैं, स्प्रे है। स्प्रे में क्या होता है दोस्तों, में एक बार जैसे हम मतलब छिड़कते हैं तो ये बहुत सारे एरिया को ले लेता है, लेकिन ये मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं आपको बस मतलब दिखाने के लिए बता रहा था, जैसा इमेज है हम वैसा ही ले लेते हैं। उसके बाद में हम इसके बाद वाला जो टूल है दोस्तों उसको हम ले लेंगे। तो इसको भी हम करके देखते हैं, मुझे ये भी पसंद नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। हम फाइनली ले लेंगे इरेज टूल को, जो सबसे पहले नंबर वाला है, ज़बरदस्त टूल है। इसको हम जैसे ही ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में सबसे पहले हमारे ये इरेजर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम उसको कुछ बड़ा कर लेंगे, तकरीबन 200-250 के तक हम ले जाएँ, क्योंकि हमें बहुत जल्दी स्पीड में करना है काम। तो इसके लिए देखिए जैसे हमने ले लिया फटाफट हम इसको, तो मोटा मोटा काम है ना दोस्तों, जैसे जहाँ जहाँ पर हमें हम फटाफट ले जो रफली जो मोटा मोटा इससे हम उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको ले लिया, वहीं आप इसको इरेजर टूल को वहीं रखिएगा जहाँ से आपको इरेज करना हो, और अपने माउस को क्लिक कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, साइड साइड से ये होता जा रहा है। अब धीरे धीरे दोस्तों ये करने के बाद में हम देंगे इसको फिनिशिंग में जब हम जाएंगे, तो हम ये जो हमारा इरेजर टूल है इसको दोस्तों हम बहुत छोटा कर लेंगे, मतलब साइज़ छोटा कर लेंगे, क्योंकि जो साइड जो इसका एरिया ना, जो साइड में जो बहुत सारे जो वो हैं डट्स हैं, उसको हमें रिमूव करने के लिए इरेजर को हमें छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा हो कि धीरे धीरे मैंने सबको कर दिया, लेकिन फिर भी अभी रह रहा है, तो मैं स्लोली और इनको रिमूव करता हूँ। तो जैसे आप दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैडम अकेली हो गई हैं, इनकी तो जैसे लग रहा है कि दुनिया ही उजड़ गई है दोस्तों। जैसे कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। इससे बैकग्राउंड रिमूव करने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमें बहुत सारे पोस्टर बनाने होते हैं या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाने होते हैं, वहाँ पर यूज करते दोस्तों। अब हम क्या करें कि हम जो साइड जो है ना, वन ऑफ फाइनल फिनिशिंग देने के लिए अब हमने मतलब रबड़ का जो इरेजर का जो साइज़ है वो हमने छोटा कर लिया। अब इरेजर का साइज़ छोटा करने के बाद में हम किसी भी एक साइड से स्टार्ट हम कर देंगे दोस्तों। स्टार्ट हमने मतलब कर दिया और साइड से हमने स्टार्ट हमने कर दिया, तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे ये हो रहा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि हम बैकग्राउंड हम रिमूव क्यों करते हैं। जैसे हमें बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमें यूट्यूब पर थंबनेल बनाने के लिए, या फिर हमें मतलब पोस्टर बनाने के लिए, या फिर अगर आप ई कॉमर्स वगैरह का काम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट वगैरह जो होता है उसका बैकग्राउंड हमें वाइट पर चाहिए होता है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बैकग्राउंड रिमूवर की। तो इससे आप सीख सकते हो, और मोस्टली हमें हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूरत मतलब पड़ता रहता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसको, ये हमारा रिमूव हो चुका है, अब हम इसको सेव करके, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ दोस्तों। मेरे को इसको वैसे PNG में सेव करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको JPG में सेव किया, PNG में कर लीजिए, क्योंकि मेरे को इस फोटो की रिक्वायरमेंट थी नहीं, बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। तो जैसे मैं इसको हटा के दिखाता हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसको दाएँ बाएँ कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल हो रहा है। अब मैं इसको एक अलग
पेज पे इसको मैं उठा के लेकर जाऊंगा आपको फाइनल दिखाने के लिए। तो देखिए जैसे मैंने इसको उठा लिया और यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा है तो कंट्रोल प्लस टी करके आप इसको सिलेक्ट करके अब इसको साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि मैडम अब इनकी दुनिया में सफ़ेदी छा चुकी है और यहाँ पे बिल्कुल मायूसी छा चुकी है, लेकिन बहुत बढ़िया। अब इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। नीचे इसको जेपीजी आप पीएनजी में सेलेक्ट कीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं जेपीजी में मैं कर रहा हूँ। तो उसको जैसे मैं सेव कर दूँगा दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया, हमें मुश्किल से 4 से 5 मिनट इस वीडियो में लगे हैं और हमारा ये पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है दोस्तों। तो इसको अपने अकॉर्डिंग आपको जिस फोल्डर में इसको सेव करना हो सेव कर लीजिएगा। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल इजी वे में आपको इसको कीजिए। और दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट, मेरा नया चैनल है भाई लोग, प्लीज़ सपोर्ट।